शिष्य कुछ बनना चाहता है और गुरु कुछ मिटाना चाहता है, और जो शिष्य मिटना सीख लेता है गुरु उसको बना देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप सभी का बिन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारी चर्चा मध्य प्रदेश के जनजातियों के संदर्भ में जो MCQ सीरीज हो रही थी उस पर चल रही थी, तो हमने उसके संबंध में काफ़ी सारी चीज़ों को देख लिया था। और हमारी चर्चा चल रही थी मध्य प्रदेश के जनजातियों की जो संस्कृत है उस पर चल रही थी, और उसमें हमने काफ़ी सारे प्रश्नों को भी कवर कर लिया था। लगभग 100 से ऊपर प्रश्नों को हमने इसके अंतर्गत कवर कर लिया है, और आज हम उसी चर्चा को अपने आगे बढ़ाएंगे और आगे देखेंगे कि और कौन से प्रश्न इस पर बन सकते हैं, और PSC ने इसके पहले कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं, और आगे किस किस प्रकार के प्रश्न की गहराइयों में PSC जा सकता है, कौन कौन से पहलुओं पर PSC जा सकता है, उन समस्त बिंदुओं पर हम अपने प्रश्नों को यहाँ पर लेके आए हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भीलट बाबा कौन है? हमारे ऑप्शन है भारिया के प्रमुख देवता, ऑप्शन बी भीलों के प्रमुख देवता, ऑप्शन सी बैगा के प्रमुख देवता, ऑप्शन डी सहरिया के प्रमुख देवता। तो देखिए, कई बार हमारी चर्चा इस पे हो चुकी है और इसमें आपको पता है कि इसका सही जवाब क्या होगा, भीलों के प्रमुख देवता के रूप में। भीलों के प्रमुख देवता में एक और नाम आता है जो होते हैं कौन, राजा पंथा। राजा पंथा, तो भीलट बाबा का संबंध किससे माना जाता है, भीलों के प्रमुख देवता से। बैगा के बारे में आपको पता है कि बैगा के प्रमुख देवता को बूढ़ा देव कहते हैं, बूढ़ा देव। और इनकी क्या खासियत होती है, ये साल वृक्ष या साज वृक्ष की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, साज वृक्ष की पूजा करते हैं, और उन्हीं पे इनका निवास स्थान मानते हैं, किसका, बूढ़ा देव का। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन बी भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन सी भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाता है, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा, हमको पता है कि भगोरिया उत्सव भीलों के द्वारा मनाया जाता है। अब भील कहाँ पर निवास करती है, भील की सर्वाधिक जनसंख्या पूरे भारत में कहाँ पर पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो ये पहला जो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। भील जो भगोरिया उत्सव होता है ये होली के अवसर पर मनाया जाता है, और इसमें एक विवाह उत्सव भी मनाया जाता है जिसको भगोरिया विवाह या हरण विवाह कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चित्रकला की किस विधा से पद्मश्री भूरीबाई का संबंध है? हमारे ऑप्शन है वर्ली, ऑप्शन बी थांका, ऑप्शन सी पिथौरा, या ऑप्शन डी फट। तो भूरीबाई झाबुआ की निवासी हैं, और इन्हें 2021 पे पद्मश्री प्रदान किया गया था, पद्मश्री 2021 पे प्रदान किया गया था। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूरीबाई को कब पद्मश्री प्रदान किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 2021 में। कहाँ से संबंध रखती हैं, तो झाबुआ से संबंध रखती हैं, और ये किस चित्रकला संबंधी है, पिथौरा चित्रकला संबंधित है। पिथौरा के बारे में आपको पता ही है, पिथौरा के जो चित्रकार होते हैं उनको क्या कहा जाता है, चित्रकारों को, तो लखिंद्रा कहा जाता है। और हमने क्या देखा था इस पे कि पिथौरा में मुख्य रूप से किसका चित्रांकन किया जाता है, तो घोड़ों का चित्रांकन किया जाता है, घोड़ों का। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी पिथौरा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से आक्रमण की गोरिल्ला युद्ध शैली टांटा भील ने किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता से सीखी थी? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के किस क्रांतिकारी से टांट्या मामा जो भील थे उन्होंने गोरिल्ला पद्धति सीखी थी, ये हमारा प्रश्न है। हमारे ऑप्शन है तात्या टोपे, ऑप्शन बी नाना साहब पेशवा, या ऑप्शन सी कुंवर सिंह, या ऑप्शन डी शंकर शाह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तात्या टोपे। आपको पता है कि तात्या टोपे कानपुर से और आगे चल के फिर शिवपुरी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, और 1857 की क्रांति के टाइम पे जो इंडियन रॉबिन हुड के नाम से प्रसिद्ध थे टांट्या भील, जिनका संबंध मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी निमाड़ है उससे माना जाता है, उन्होंने
अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, 1857 का विद्रोह किया था, उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया था जिसके माध्यम से ये अंग्रेजों के संपत्ति थे उनको लूटते थे और गरीबों को बांट दिया करते थे, इसीलिए इनका नाम इंडियन रॉबिनहुड भी पड़ा था। देखिए टांटिया मामा भील को जिस दिन फांसी दी गई थी उसके उपरांत इनको क्या दिया गया था, उसके जिस दिन फांसी दी गई थी वो दिन था 4 दिसंबर का, और इसीलिए 4 दिसंबर को बलिदान दिवस मनाया जाता है, बलिदान दिवस 4 दिसंबर को। टांटिया मामा की भील की अगर एक और प्रश्न आपसे मैं करना चाहूँ, अभी करंट का ही प्रश्न है, बहुत ही अभी न्यूज़ में रहा है कि टांटिया मामा भील विश्वविद्यालय का गठन कहाँ किया जा रहा है। आपको इसको ऑप्शन कमेंट के माध्यम से बताना है कि टांटिया मामा भील विश्वविद्यालय का गठन कहाँ पर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, अभी हाल ही में बहुत चर्चा पे रहा है, आपको इसको बताना है। अब देखिए नाना साहब पेशवा के बारे में पता ही है, इनको इन्होंने कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था, बगावत की थी। क्यों बगावत की थी? क्योंकि इनकी जो पेंशन थी वो बंद कर दी गई थी, तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, फिर आगे चल के ये 1857 क्रांति से जुड़ गए थे। कुंवर सिंह की अगर बात की जाए तो इन्होंने बिहार से आपके 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था, और शंकर शाह आपको पता ही है गोंड वंश के शासक थे शंकर शाह, और इनके पुत्र थे रघुनाथ शाह। इन दोनों ने मिलकर 1857 क्रांति का नेतृत्व मंडला वाले क्षेत्र से किया था। तो ये पूरा ब्यौरा किससे हो गया, चौथे प्रश्न से हो गया। और अगर गोरिल्ला पद्धति की बात की जाए, गोरिल्ला पद्धति आखिर पूरे भारत इतिहास में कहां पर देखने को मिलती है, तो शिवाजी जो मराठा सरदार थे, शिवाजी, उन्होंने इस पद्धति को मूर्त रूप प्रदान किया था। अब देखिए एक फिल्म जो थी बहुत चर्चा में रही थी, तान्हा जी, जिसमें अजय देवगन जी ने लीड रोल निभाया था, उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने, अगर किसी व्यक्ति ने देखा होगा तो उन्होंने देख आप लोगों ने देखा होगा कि जब औरंगजेब की सेना आ रही होती है तो चुपके से वो लोग एक युद्ध पद्धति को अपनाते हैं, पर्वतों में छिपे रहते हैं और जैसे ही सेना आती है तो उसमें हल्ला बोल देते हैं, तो वो जो युद्ध पद्धति उसी को बोला जाता है क्या, तान्हा गोरिल्ला युद्ध पद्धति, जो तान्हा जी मूवी पे बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। शिवाजी ने इसको मूर्ति रूप देने का प्रदान किया, क्योंकि जो शिवाजी वाला क्षेत्र था, जो मराठा वाड़ा वाला क्षेत्र था, वो मुख्य रूप से जंगली क्षेत्र था, जंगल पहाड़ पर्वत वाला क्षेत्र था, और यहाँ के लोग बहुत साहसी निडर और संघर्षशील होते थे। चूंकि ये मुख्य रूप से जंगलों के क्षेत्र में रह के युद्ध किया जा सकता है, क्योंकि छुप कहाँ सकते हैं, जहाँ पर छुपने की प्रॉपर जगह हो, या तो चट्टान हो, या तो कोई बड़ा सा वृक्ष हो, या तो ऊंचाई हो, या कोई गुफा हो, वहाँ पर छुप करके हम इस युद्ध पद्धति को मूर्त रूप दे सकते थे। तो ऐसी सब अनुकूल दशाएँ हमको महाराष्ट्र के जंगल वाले क्षेत्रों में देखने को मिल जाती थी, और यही बात कहाँ पर देखने को मिलती है, जो हमारा सतपुड़ा और विंध्याचल वाला क्षेत्र है, पर्वत वाला क्षेत्र है, और उसी चीज़ को फॉलो किया किसने, टांटिया भील ने, और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जब अपनी युद्ध नीति अपनाई तो गुरिल्ला पद्धति को काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया। हमारा अगला प्रश्न है, भगोरिया उत्सव किस माह में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिसंबर, ऑप्शन बी जून, ऑप्शन सी अक्टूबर, या ऑप्शन डी मार्च। देखो आपको पता है कि भगोरिया उत्सव कब मनाया जाता है, होली के पर्व पे, होली के टाइम पे मनाया जाता है, होली के 7 दिन पूर्व से मनाया जाने लगता है, और लगभग दो हफ्तों तक चलता है, 15 दिन तक लगभग ये उत्सव मनाया जाता है। और अगर बात की जाए कि होली जो पर्व मनाया जाता है, अभी भी देखिए आप किस टाइम पर मनाया जाता है, मार्च के टाइम पर, इस साल भी देखिए मार्च में ही आएगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, मार्च। और अगर हिंदी वर्ष के अनुसार माना जाए किस माह में होता है, तो फाल्गुन माह में। अब भगोरिया भीलों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, इसी पे ये लोग भगोरिया नृत्य भी आयोजित करते हैं। इसके साथ ही गोल गधेड़ों, गुलालिया,
उजाड़िया इसके भाग होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बैगा जनजात मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? हमारे ऑप्शन है विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्र में, ऑप्शन बी उज्जैन और जबलपुर क्षेत्र में, ऑप्शन सी उमरिया और मंडला क्षेत्र में, या ऑप्शन डी मंडला और बालाघाट क्षेत्र में। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन डी मंडला और बालाघाट क्षेत्र में। अगर बैगा जनजाति का मुख्य संकेंद्रण की बात किया जाए कि हर इसका सर्वाधिक संकेंद्रण सबसे ज़्यादा निवास स्थान कहाँ पाया जाता है, तो वो जिला है मंडला जिला में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और अगर बैगा चक क्षेत्र की बात की जाए, बैगा चक क्षेत्र की बात की जाए और इसके अंतर्गत ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि बैगा चक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला सर्वाधिक रूप से कवर करता है, तो वो जिला होगा डिंडोरी। पीएससी ने 2021 में एक प्रश्न पूछा था, बैगा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो उसमें फिर उसने आंसर रायसेन माना था और बाकी सारे जो ऑप्शन थे वो मंडला बालाघाट डिंडोरी वाले ऑप्शन लिखे थे, तो उसका सही जवाब क्या हो गया था, रायसेन। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं, बैगा चक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो अभी जो मैंने आपको बताया किस जिले में आएगा, डिंडोरी में, तो इसमें समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। अब देखिए, जो बैगा जनजाति है वो मुख्य रूप से किस जनजाति में शामिल है, PVTG ग्रुप में शामिल है। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनके कल्याण के लिए कुछ विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे एक योजना चल रही है, कौन सी, आहार अनुदान योजना। यह योजना 2017 पे प्रारंभ की गई थी, जो मुख्य रूप से जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उनके कल्याण के लिए आर्थिक सशक्तिकरण देने के लिए प्रारंभ की गई थी। और अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो जनजाति विकास उप योजना चलाई जाती है, जनजाति उप योजना चलाई जाती है, उसी के अंतर्गत आजीविका योजना भी चलाई जा रही है। आजीविका योजना जो मुख्य रूप से बैगा जनजाति से संबंध रखती है। और अगर ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि जो जनजाति उप योजना है वो कौन से राज्य के द्वारा चलाई जा रही है, तो उसका सही आंसर था मध्य प्रदेश। 2019 में ये प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश में भारत में वो कौन सा राज्य है जहाँ पर जनजाति उप योजना चलाई जा रही है। तो ये इस योजना के तहत होता क्या है कि मध्य प्रदेश में जितने भी विभाग हैं अगर उनका कुछ आर्थिक जब अनुदान दिया जाता है विभागों को, तो उसका 20% किसके लिए व्यय करना होता है, जनजातियों के कल्याण के लिए व्यय करना होता है। और वर्तमान में जो ग्रामीण विकास विभाग और अगर प्रश्न पूछ ले कि किस विभाग के अंतर्गत सर्वाधिक व्यय अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पर निवास करती हैं, जंगली क्षेत्र में, और जंगली क्षेत्र आते किसके अंतर्गत है, तो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा ही दिमाग लगाएगा, ज़्यादा लगाएंगे तो इसमें ऑप्शन अगर इसके अनुकूल दे दिया कि जनजाति क्षेत्र हो गए, जनजाति कल्याण मंत्रालय हो गया, विभाग हो गया, जो विमुक्त जनजाति कल्याण विभाग है उसके अंतर्गत आ रहा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा। उसमें सही जवाब क्या होगा, ग्रामीण विकास विभाग। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति में स्त्रियों के गर्भवती होने पर गर्भवती महिला को समय समय पर आवश्यक देख रेख या जड़ी बूटियों के सेवन की सलाह देने वाली वरिष्ठ महिला को क्या कहा जाता है? देखिए, ये बहुत जो बैगा जनजाति से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनसे प्रश्न पूछा गया है। जैसे बैगा में एक पंचायत होती है, पंचायत में पांच पंच होते हैं, उन पंचों के हर पंच में हर किसी का एक विशेष कार्य होता है। उसी प्रकार कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित होते हैं, उन्हीं में से एक व्यक्ति होती है, कौन, एक महिला होती है, उसको बोलते हैं सुनमाई। सुनमाई जो मुख्य रूप से जब बैगा
जनजाति के जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जब गर्भावस्था को धारण करती हैं, तो उनके देख रेख के लिए ये महिलाएं आगे रह के कार्य करती हैं, और जो भी सहायता होती है वो इनके माध्यम से प्रदान की जाती है, ताकि जो बच्चा है वो हष्टपुष्ट रहे। तो उस महिला को क्या कहा जाता है? सुन माई। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे सोन माई, सुन माई, सोअन या सोअर। तो आपको ध्यान रखना है इसका सही जवाब क्या होगा, सुन माई। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति के संदर्भ में करस कौवा की स्थापना किस संस्कार में की जाती है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विवाह संस्कार, ऑप्शन बी जन्म संस्कार, ऑप्शन सी मृत्यु संस्कार, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में एक प्रथा इनके माध्यम से अपनाई जाती है बैगा जनजाति द्वारा, जो क्या कहलाती है? करस कौवा की प्रथा। आप सभी को इस प्रथा के बारे में, जो ये करस कौवा की स्थापना के बारे में बात करती है, आप सभी को इसके लिए टू मार्कर में लिखना है, और आप लोग कमेंट करके लिखेंगे, बताएंगे कि करस कौवा क्या होता है। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति में दोनों पक्षों के माता पिता की स्वीकृति ना होने पर परिचित रिश्तेदार की मदद से नव युवक युवतियों द्वारा विवाह प्रथा का प्रचलन है, इस विवाह को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है उधारिया विवाह, ऑप्शन बी लमसेना विवाह, या ऑप्शन सी चोर विवाह, या ऑप्शन डी उठवा विवाह। तो उसका सही जवाब होगा उधारिया विवाह। ये वह स्थिति होती है जब माता पिता स्वीकृत नहीं होते हैं, तो जो परिचित होते हैं उनके माध्यम से क्या करवा दिया जाता है? विवाह करवा दिया जाता है। लमसेना विवाह के बारे में आपको पता ही है कि लमसेना विवाह क्या होता है, कि जब कोई लड़का विवाह के उपरांत कहाँ चला जाता है? अपने ससुराल चला जाता है, और वहाँ पर अपनी सेवा देता है, तो वो विवाह क्या कहलाता है? लमसेना विवाह कहलाता है। चोर विवाह का संबंध गंधर्व विवाह से, और गंधर्व विवाह किसके अंतर्गत आता है? प्रेम विवाह। जब कोई युवक या युवतिया अपने परिवारों से सहमति न लेके क्या करते हैं? भाग जाते हैं, न विवाह करते हैं, न किसी प्रकार की प्रथा को अपनाते हैं, बल्कि क्या करते हैं? अपने स्थान को छोड़ के पलायन कर जाते हैं। तो इसी विवाह के आगे पलायन विवाह भी कहा जाता है, पलायन विवाह। अपना स्थान छोड़ देते हैं और विवाह कर लेते हैं, तो उस विवाह को क्या कहलाते हैं? चोर विवाह, मतलब चोरी छुपे विवाह कर लेते हैं। तो ये हो गई क्या इनके विवाह की प्रथा। अब देखिए, यहाँ पर गंधर्व विवाह की चर्चा आती है, तो हमको पता है कि जो हमारा हिंदू परंपरा उसमें 8 विवाहों का चर्चा मिलती है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा होती है या फिर प्री परीक्षा में भी आगे अभी तक तो पूछा नहीं गया है, मगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ जोड़ दिया गया है भारत की प्रमुख कला संस्कृति और प्रारूप और समाज से संबंधित गतिविधियों के बारे में अगर कुछ पूछना चाहता है, तो ये 8 विवाहों को लेकर भी पूछ सकता है। 4 विवाह ऐसे विवाह होते हैं जो समाज से मान्य विवाह होते हैं, और 4 विवाह ऐसे होते हैं जो समाज में मान्य नहीं होते हैं, अमान्य होते हैं। अब इसमें प्रमुख विवाह जैसे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये जो विवाह होते हैं ये मान्य होते हैं, और मान्य नहीं जो विवाह मान्य नहीं होते उनके अंतर्गत आता है असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैसाच विवाह और गंधर्व विवाह। तो ये भी चीज थोड़ा सा हमको जानकारी रखनी चाहिए इसके विषय में भी। आगे प्रश्न पर चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति की विवाहित स्त्रियों को सुहाग की निशानी के रूप में किस आभूषण को धारण करना अनिवार्य होता है? हमारे ऑप्शन है जर्मन चूड़ा, ऑप्शन बी तरकुल, ऑप्शन सी कांच की मोतियों से निर्मित माला, या ऑप्शन डी करधनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तरकुल। देखिए, जो जर्मन चूड़ा होता है, ये चूड़ी होती है, मुख्य रूप से चूड़ी होती हैं जो उनको बोला जाता है, और ये कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है जिनको धारण करना अनिवार्य ही होता है, लेकिन जो तरकुल होता है इसको धारण करना बैगा जनजाति में अनिवार्य माना जाता है। कांच की मोतियों से निर्मित माला की अगर बात किया जाए,
तो बैगा जनजाति मुख्य रूप से मंडला डिंडोरी वाले क्षेत्र में निवास करती हैं, तो मोतियाँ थोड़ा मिलना मुश्किल होती हैं, तो थोड़ा सा हम अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो इस चीज़ पे नहीं जाएंगे। ये चीज़ देखने को मिलती है किस जनजाति में, भारिया जनजाति में। भारिया के लोग जरूर मोतियों से निर्मित माला को पहनते हैं। फिर करधनी के बारे में तो आपको पता है, ये हिंदू परंपरा में भी और जो जनजाति परंपरा है वहाँ पर भी देखने को मिलती है। ये कमर पे पहने जाने वाला, कमर पे पहने जाने वाला आभूषण है। अब ये बच्चे और महिलाएं दोनों पहनते हैं, बच्चे व महिलाएं, और मुख्य रूप से चांदी का होता है, मुख्य रूप से चांदी का होता है। लेकिन चूंकि परिवार कुछ बहुत संपन्न हो जाते हैं तो ये लोग सोने का भी इसका पहनना पसंद करते हैं, सोने का भी ये रूप इसको बनवा करके पहनते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये चांदी का ही बनाया जाता है करधनी। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जनजात बैगा जनजात की उपजाति नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिजवार, ऑप्शन बी नरोतिया, ऑप्शन सी बाडोया या ऑप्शन डी काट मैना। तो ये सीधा सीधा सवाल है, इसका जवाब आपको आना चाहिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बाडोया। तो देखिए बिजवार के बारे में आपको पता है, इसी से एक व्यक्ति संबंध रखते हैं, वीर नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह जिन्होंने रायपुर से 1857 का नेतृत्व किया था। नरोतिया भी हमको पता है कि बैगस की एक उपजाति है, बाडोया नहीं है। कठमैना, तो इसके बारे में मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, कठमैना ऐसी जनजातियों को कहा जाता है, ऐसी बैगा उपजातियों को कहा जाता है जो काठ का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं। इसका देख आपको बताया था कि इनकी भरोतिया सबसे उच्च जाति कहलाती है, भरोतिया का अर्थ होता है भरण पोषण, और एक जाति होती है कौन सी, गोंड मैना, जो इनकी सबसे निम्न स्तर की कास्ट कहलाती है, उपजाति कहलाती है। अगला प्रश्न है, द बैगा पुस्तक के लेखक कौन है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैरियर एल्विन, ऑप्शन बी हरीश चंद्र उप्रेती, ऑप्शन सी नदीम हसन और ऑप्शन डी मजूमदार एवं मदान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बैरियर एल्विन। बैरियर एल्विन की एक और किताब है मुड़िया एंड देयर घोटुल, जिस पे गोंड और मुड़ियाओं में जो घोटुल प्रथा है उसके बारे में बेहद जानकारी मिलती है। लेकिन बैरियर एल्विन के जो द बैगा है, द बैगा, इसमें बैगा की पूरी संपूर्ण जानकारी मिलती है कि बैगा का निवास कहाँ है, इनकी परंपराएं कैसी हैं, इनमें विवाह कैसे होता है, इनकी भाषा कौन सी है और किस परिवार से ये संबंध रखते हैं, किस परिवार से, मतलब किस भाषा परिवार से ये संबंध रखते हैं, इन समस्त पहलुओं की जानकारी किसके माध्यम से मिलती है, द बैगा से। अगले प्रश्न पे आते हैं, बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माणकर्ता कौन है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ठाकुर देव, ऑप्शन बी इंद्रदेव, ऑप्शन सी अग्निदेव या ऑप्शन डी सोमदेव। बैगा के अनुसार सृष्टि के निर्माणकर्ता कौन है, तो इसका सही जवाब होगा क्या, ठाकुर देव। देखो बैगा मुख्य रूप से बूढ़ा देव को मुख्य रूप से मानती है, लेकिन जो ठाकुर देव होते हैं ये गांव के देवता होते हैं, गांव के देवता या रक्षक। और बैगा का मानना है कि जो गांव को बसाया है उसी ने पूरी सृष्टि को भी बसाया है। इसीलिए ये अपने गांव के बाहर एक स्थान निर्धारित कर देते हैं, वहां पर सब लोग इनकी पूजा करते हैं। हालांकि अगर बात किया जाए तो जो रसेल और हीरालाल, रसेल एवं हीरालाल जो समाजशास्त्री रहे हैं, उन्होंने
इनके अनुसार, बैगा के अनुसार जो सृष्टि का निर्माणकर्ता माना है, उन्होंने नंगा बैगा और नंगा बैगिन को माना है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ऐसा ऑप्शन है नहीं, इसलिए हम किस पे जाएंगे, ठाकुर देव पे। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति के निवास को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सहराना, ऑप्शन बी फालिया, ऑप्शन सी टोला या ऑप्शन डी मांडना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सहराना। बहुत ही आसान सवाल था। सहराना इनके पूरे निवास स्थल को बोलते हैं, निवास स्थल। जैसे ग्रामीण बस्तियां होती हैं तो उन बस्तियों को सहराना बोलते हैं, और सहराना का प्रमुख कौन होता है? पटेल। सहराना का प्रमुख कौन होता है? पटेल होता है। और फालिया की अगर बात की जाए तो ये भीलों का निवास स्थान है, भीलों का निवास स्थान। टोला मुख्य रूप से बैगाओं का देखने मिलता है, एवं कोलों का, जो कोल जनजाति है उनका भी, जैसे कोलिन टोला या बैगाओं का, बैगा में टोला और पुरवा चलता है, तो बैगाओं के लिए पुरवा चलता है और टोला चलता है, और कोल के लिए कोल टोला चलता है। और मांडना के बारे में तो आपको पता है, मांडना एक प्रकार की क्या है? चित्रकारी है। मांडना जो कहाँ पर देखने को मिलती है? मालवा और निमाड़ में मांडना चित्रकारी देखने को मिलती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अगरिया, ऑप्शन बी खैरवार, ऑप्शन सी सहरिया या ऑप्शन डी कोल। विशेष पिछड़ी जनजाति अर्थात पीवी टीजी ग्रुप किसे घोषित किया गया है? तो सहरिया को घोषित किया गया है, सहरिया। आपको मैंने इसके पहले भी बताया था कि सहरिया पूरी पीवीटीजी जो ग्रुप है उसमें सबसे बड़ा समूह माना जाता है। और इनका मुख्य रूप से निवास स्थान कहाँ है, इनका मुख्य संकेंद्रण कहाँ पर पाया जाता है? तो शिवपुरी है। और सहरिया रेडियो केंद्र कहाँ पर है? तो वो श्योपुर पे है, श्योपुर पे। सहरिया के बारे में और काफ़ी सारी हमने चर्चा की थी, जैसे ये भीलों को अपना छोटा, भीलों के ये छोटे भाई समझे जाते हैं, और इनकी एक खास बात होती है इनके नृत्य। इनके नृत्य में एक नृत्य बहुत प्रसिद्ध है जिसको बोलते हैं क्या? दुलदुल घोड़ी, दुलदुल घोड़ी नृत्य इनमें बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही ये लोग रागनी नृत्य करते हैं, रागनी नृत्य और रागनी गायन के साथ करते हैं, इसलिए इसको इंद्र परी भी बोलते हैं, इंद्र परी नृत्य भी बोलते हैं। फिर लहंगी नृत्य भी कहते हैं, करते हैं लहंगी। तो ये सब नृत्य देखने को कहाँ मिलता है? सहरिया जनजाति में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, सहरिया अपने आप को किस जनजाति का छोटा भाई मानते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भील। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। गोंडों की अगर बात किया जाए तो गोंडों को अपना बड़ा भाई मानते हैं कौन? जो भारिया है वो लोग इनको बड़ा भाई मानते हैं, और जो बैगा है वो भी इनको बड़ा भाई मानते हैं। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति का मूल निवास स्थान है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए शाहबाद कोटा, ऑप्शन बी श्योपुर, ऑप्शन सी बाघ गांव धार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शाहबाद कोटा। अब ये देखिए, शाहबाद का जो जंगल है ये मुख्य रूप से, अब आपको एरिया बता दूं कहाँ पर पाया जाता है, ये मध्य प्रदेश हो गया, मैप तो अच्छा बना लेता हूँ मैं, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर क्या, कौन सा जिला पाया जाता है राजस्थान में? कोटा। और ये है हमारा क्या? श्योपुर। इन्हीं के बीच एक जंगली क्षेत्र पाया जाता है, जंगल एरिया है जो चंबल नदी के बीरों से निर्मित है, साथ ही इसके बगल में अरावली का जो ढलान है उसके तहत निर्मित है। इस जंगल को बोलते हैं क्या?
शाहबाद का जंगल, और यहीं पर किनका निवास माना जाता है, सहरियाओं का निवास स्थान मानते हैं। अगला प्रश्न है, सहरिया होता है, हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पटेल, ऑप्शन बी छोपा, ऑप्शन सी अधनारिया या ऑप्शन डी कोतवार। तो इसका सही जवाब होगा पटेल। अब देखिए ये प्रश्न MPPSC पूछ चुका है, MPPSC ये प्रश्न पूछ चुका है, तो हमको MPPSC के ट्रेंड को पकड़ना है। अब देखिए अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो अन्य जनजातियाँ हैं, जैसे कोल हो गई तो कोलों की पंचायत को क्या कहा जाता है, भीलों की पंचायत को क्या कहा जाता है, या फिर बैगाओं की पंचायत को क्या कहा जाता है, तो कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हमको उस चीज़ को कवर कर लेना है। तो अब यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, पटेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, अरे सूची 1 है और सूची 2 है। यहाँ पर सहरिया को लेके विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है, उन मतों के आधार पर आपको बताना है कि कौन से विद्वानों ने कौन से मत दिए हैं, अपने सहरिया का क्या नाम दिया है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कनिंगम, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी केसी दुबे या ऑप्शन सी ऑप्शन डी टालमी। आपको बताना है कि कनिंगम ने इनको क्या कहा है, हेरोडोटस ने क्या कहा है, केसी दुबे ने क्या कहा है, या टॉलमी ने क्या कहा है। तो चलिए इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हेरोडोटस की बात किया जाए तो हेरोडोटस ने सागरिक कहा है, सागरिक सागरिक, तो ये एक मिल जाता है, तो बी का ए देखेंगे। ठीक, बी का ए। और अगर केसी दुबे का बात किया जाए तो केसी दुबे ने इनको क्या माना है, सोसिया माना है, सोसिया, तो सी का क्या हो जाना चाहिए, 4 हो जाना चाहिए। मैच नहीं कर पा रहा है, केसी दुबे ने सोसिया माना, कनिंगम ने इनको सौर माना और टालमी ने इनको सवारा माना। तो ये पूरी बात है, इसमें मैच कर रहा है क्या, 1 का 2, 2 का 1, C का 4 और T का 3। तो ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईने अकबरी में सहरियाओं का उल्लेख मिलता है, बौद्ध धर्म शास्त्रों में सहरिया जनजाति का वर्णन मिलता है, उपरोक्त में से सही कथन का चयन कीजिए। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 या ऑप्शन सी 1 और 2 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बात तो पक्की है कि आईने अकबरी में सहरियाओं का उल्लेख मिलता है। आईने अकबरी में ये मिलता है, ये अबुल फजल की किताब है, किसकी किताब है, अबुल फजल की, अबुल फजल, और इसी का जो तीसरा अध्याय है उसको बोलते हैं अकबर नामा, अकबर नामा, अकबर नामा का एक्चुअल में तीसरा अध्याय कौन है, आईने अकबरी, जिसमें अकबर के संपूर्ण जीवन गाथाओं की जानकारी मिलती है। तो इसमें ये जानकारी मिलती है कि मध्य भारत के क्षेत्र में जो बुंदेलखंड और राजस्थान के बीच वाला क्षेत्र था, वहाँ पर एक जनजाति निवास करती है जो क्या है, सहरिया है। एक जनजाति का वर्णन मिलता है, और जनजाति किससे रिलेट मिलती है, तो सहरियाओं से मिलती है। फिर बौद्ध धर्म में ये जानकारी मिलती है कि मध्य भारत के क्षेत्र में एक राजा रहता था सहरियापो, तो सहरियापो एक राजा रहता था जो मुख्य रूप से कहाँ पर निवास करता था, तो सहरा, वो जगह का नाम था क्या, सहरा, और वहाँ पर निवास करने वाले राजा का नाम था सहरियापो। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ से मिलती है। चूँकि ये दोनों जानकारी सही है इसलिए दोनों कथन क्या होंगे, सही होंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। अब अगला प्रश्न है, छिंदवाड़ा में पातालकोट जनजातियों का निवास स्थान है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोंड और भारिया, ऑप्शन बी सहरिया या ऑप्शन सी खासी और गारो या ऑप्शन डी कोरकू। तो इसका सही जवाब होगा गोंड और भारिया। देखिए मुख्य रूप से जो पातालकोट जाना जाता है वो भारियाओं के लिए जाना जाता है, और भारियाओं की अगर खास बात की जाए तो जहाँ पर पातालकोट में रहते हैं तो वो घोड़े का नाल के आकार में एक संरचना है, पर्वतों से घिरी हुई पूरी तरह से संरचना है, और इनके निवास स्थान को बोला जाता है क्या, कनाथ, कनाथ।
यहाँ इनके जो निवास स्थान है यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर एक नदी निकलती है, उत्तर से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई, जिसको बोलते हैं दूधी नदी, दूधी। और इसी से अपना ये इनकी जीवन रेखा कहलाती है, जो कनात है, कनात की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? दूधी नदी। यहीं पर भारियाओं का निवास स्थान पाया जाता है। लगभग 4000 भारियाएँ, 4000 से अधिक जनसंख्या की भारियाएँ का निवास स्थान कहाँ पर पाया जाता है? पातालकोट। गोंड क्यों पाया जाता है? क्योंकि गोंड जो है मध्य प्रदेश के लगभग हर अंचल में पाया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भरनौटी मध्य प्रदेश में निवास करने वाली किस जनजाति की मूल बोली है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी भारिया, ऑप्शन सी सहरिया, ऑप्शन डी कोरकू। तो भरनौटी भाषा जो है ये भारियाओं की भाषा है। मैंने कि जैसे बताया ये कहाँ पर निवास करते हैं? कनात, जो पातालकोट वाले रीजन है वहाँ पर मुख्य रूप से निवास करते हैं। और भारिया मतलब इनका अर्थ की अगर बात किया जाए तो इनको भार ढोने वाले, भार ढोने वाले कहा जाता है। इनके बारे में जानकारी मिलती, ऐसा किंवदंती मिलती है कि जब भगवान राम वनवास गए थे तो उनके साथ गोंड और जो भारिया हैं वो भी साथ हो लिए थे, लेकिन भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी तो वन से वापस आ गए, लेकिन गोंड और जो भारिया थी वो जंगल में ही छूट गए। तो वो जंगलों में निवास करने वाली जनजाति जो बनी वो क्या कहलाई? भारिया कहलाई। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जनजाति के लिए पारंपरिक लोक नृत्य अहिराई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सहरिया, ऑप्शन बी बैगा, या ऑप्शन सी भारिया, या ऑप्शन डी भील। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारिया। देखिए भारिया मुख्य रूप से भड़म, सैतम, कर्मा, सजनी, सैला, सुआ और अहिराई नृत्य करती है, अहिराई नृत्य करती है। भड़म की अगर बात किया जाए तो ये बैगाओं जो जो भारिया है उनका मुख्य नृत्य माना जाता है, भड़म, भड़म मुख्य नृत्य माना जाता है। बाकी वो नृत्य अपने सहायक नृत्य होते हैं जो इसी से संबंधित होते हैं। भड़म की अगर बात किया जाए तो भड़म में एक सर्कल बनाते हैं और मुख्य रूप से पुरुष ही शामिल होते हैं, इसमें स्त्रियां शामिल नहीं होती हैं। ये तो पुरुष परक नृत्य है, पुरुष परक नृत्य है। सर्कल पे पुरुष खड़े हो जाएंगे और वो लोग ढोल, मजीरे और जो डफली होती है उनका वादन करेंगे और एक नर्तक्य है इस सर्कल में प्रवेश करेगा, एक गायन के साथ, भड़म गीत के साथ ये प्रवेश करेगा। वो जैसे ही गीत खत्म होगी तो ये लोग म्यूजिक बजाना शुरू कर देंगे और म्यूजिक की ताल जैसे जैसे तेज होती जाएगी, नाचने वाले की तीव्रता भी वैसे ही तेज होती जाएगी। तो पूरी जो नृत्य शैली है उस नृत्य शैली को क्या कहा जाता है? भड़म नृत्य शैली कहा जाता है। कर्मा के बारे में आपको पता ही है, कर्मा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल पहला नृत्य है। अब अगला प्रश्न है, भारिया जनजात किस समूह से संबंध रखती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ऑप्शन बी द्रविड़ियन, ऑप्शन सी मुंडा समूह, या ऑप्शन डी यूरोपियन। तो इसका सही जवाब होगा क्या? द्रविड़ियन, द्रविड़ियन। आपको पता है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह जो माने जाते हैं वो उसमें भील लोग माने जाते हैं, इससे संबंध कौन रखते हैं? भील। द्रविड़ियन की क्या खासियत होती है? अगर द्रविड़ियन की खासियत की बात की जाए तो काले रंग के, चपटी नाक वाले, भूरे बाल और मध्यम कद के होते हैं, ये द्रविड़ियन समूह की खास बात होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में शामिल है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारिया, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी कोरकू, या ऑप्शन डी कोल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारिया। तो ये पीवीटीजी ग्रुप में शामिल एक प्रमुख जनजाति है और आपको पता है हमारे यहाँ से 3 जनजाति को शामिल किया गया है जिनमें ये शामिल है,
भारिया मुख्य रूप से पातालकोट में निवास करती है। भारियाओं के बारे में अभी नृत्य के बारे में बता दिया कौन सा नृत्य करती हैं। गोंड की अगर बात की जाए तो गोंड मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले, क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो गोंड सबसे बड़ी जनजाति मानी जाएगी, क्योंकि लगभग 20 जिलों में लगभग जो 24 जिले हैं उनमें ये अपना प्रथम स्थान रखते हैं गोंड जनजातियाँ। तो ये सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रफल में पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या में अगर बात की जाए तो कौन सी जनजाति पाई जाती है तो कोल पाई जा सॉरी भील पाई जाती है, फिर भील के बाद गोंड, गोंड के बाद कोल पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस जनगणना के अंतर्गत पातालकोट की भारिया जनजाति को जंगलियों के भी जंगली कहा गया है? तो ये 1986 की जनगणना के अनुसार है। ये प्रश्न मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी, पूरी तरह से फैक्ट है, इसको सीधा रट ही लेना है अगर प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ये प्रश्न व्यापम में पूछा जा चुका है। तो हो सकता है पीएससी भी मन बना ले कि कोई प्रश्न ऐसा उठा लेते हैं जो व्यापम परीक्षा में पूछा गया है। तो जंगलियों का जंगली कौन सी जनगणना के आधार पर कहा गया था? तो 1981 की जनगणना के आधार पर कहा गया था। देखिए पातालकोट की बात आ रही है, पातालकोट के बारे में मैंने अभी बता दिया कि कैसा स्थल है। छिंदवाड़ा में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक स्थल है जो मुख्य रूप से तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और घोड़े की नाल के आकार में विस्तृत है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कनात कहा जाता है। और दोधी नदी यहाँ की जीवन रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रसेल एवं हीरालाल ने भारिया को किस युग का बताया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी वैदिक काल, ऑप्शन डी ऐतिहासिक युग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महाभारत। ऐसी जानकारी मिलती है, ऐसी बात रखी है रसेल और हीरालाल ने अपने ग्रंथ में। इनके जो किताब है वो है इंडियन कास्ट एट सेंट्रल प्रोविंस। तो सेंट्रल प्रोविंस के जो इंडियन कास्ट थी उनके बारे में इन्होंने अपना विस्तृत अध्ययन किया था और उसी के आधार पे इन्होंने बताया था विभिन्न जनजातियों के बारे में। इनका जो लेख है, जो ये किताब है, उसमें सारी जनजातियों की लगभग जानकारी मिलती है, अगर कुछ को एकाध को छोड़ दिया जाए। तो इन्होंने भारियाओं का महाभारत के युग में बताया है कि ये इस युग से संबंधित जनजाति रही होंगी। और क्या कहा है इनके बारे में कि जब अर्जुन वनवास में थे, जब ऐसी स्थिति थी कि अर्जुन की सेना जो पांडवों की सेना थी वो कमज़ोर पड़ रही थी और कौरवों की सेना बहुत ज़्यादा थी अर्जुन के पास, मतलब पांडवों के पास सेना नहीं थी, तो अर्जुन ने भार घास से कुछ लोगों को मनाया, कुछ लोग बने जिन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध किया और इसी के वंशज आगे चल के क्या कहलाएं? भारिया कहलाएं। इन्हीं के वंशज आगे चल के भारिया कहलाए। तो अर्जुन ने भारघास से कुछ लोगों बनाया जिन्होंने पांडवों की ओर से कौरवों से युद्ध किया और वही जो जात से संबंधित लोग थे आगे चल के वो क्या कहलाएं? भारिया कहलाएं। तो ये जानकारी मिलती है किनके पुस्तक में? डॉक्टर रसेल एवं हीरालाल की पुस्तक पे। अगला प्रश्न है, भारिया किस जनजाति को अपना अग्रज मानते हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी बिजवार, ऑप्शन डी गोंड। तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही इसके बारे में चर्चा की थी कि ये गोंडों को क्या मानते हैं? अपना अग्रज मानते हैं। और भारिया की एक खास बात होती है कि जो गोंड विधवाएं अगर कोई गोंड लेडी विधवा हो जाती है तो उनसे विवाह करना ही अपना प्राथमिक कर्तव्य समझते हैं कि सबसे पहले इनसे विवाह हम कर सकते हैं, तो वो अच्छा काम मानते हैं इनसे विवाह करना। अब आपको बताना है कि जो विवाह होता है जनजातियों में उसको क्या कहा जाता है? चलिए हो गया, आप ज़्यादा परेशान मत होइए, मैं ही बता देता हूँ। उसको विवाह को किया जाता है नतारा विवाह। मुख्य रूप से किससे संबंधित है? विधवाओं के विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जनजाति में सिडोली प्रथा का प्रचलन है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी सहरिया, ऑप्शन सी कोल या ऑप्शन डी कोरकू। तो इसका सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन डी कोरकू। सिडोली प्रथा क्या होती है ये काफ़ी सारी वीडियो में मैंने इसके बारे में बता भी चुका हूँ, पर यह भी जान लीजिए सिडोली प्रथा क्या होती है कि
कोरकुओं की ये मान्यता है, कोरकू मान्यता है, एक पर्व होता है ये, जिसमें अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कोरकुओं का कि इसे इस पर्व के माध्यम से अपने पितृ जो समाज है उसमें स्थान देना। इसके लिए लोग बहुत ही धूमधाम से उत्सव मनाते हैं और उत्सव इस हद तक होता है कई बार लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, और जब इनमें मृत्यु हो जाती है तो उन मृत्यु हुई जो घटना होती है उसके बारे में इनकी पंचायतों में सुनवाई तक नहीं होती है, तो ये इनकी खास बात होती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति के संदर्भ में कोरकू शब्द का शाब्दिक अर्थ है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए आदमियों की जमात, ऑप्शन बी आदिवासियों की जमात, ऑप्शन सी काम की जमात, या ऑप्शन डी कर्म की प्रधानता। तो इसका सही जवाब होगा आदमियों की जमात या आदमियों का समूह, कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति के बारे में आपको पता है कि ये मुख्य रूप से जो सतपुड़ा पर्वत का क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है, और अगर इनके और गहराइयों पर निवास स्थान की बात किया जाए, इनका मूल निवास बात की जाए कि कहाँ है इनका मूल निवास, तो बैतूल के भवरगढ़ में इनका निवास माना जाता है। बैतूल के भवरगढ़ वाले क्षेत्र को इनका मूल निवास माना जाता है। कोरकों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आदमियों की जमात। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में मंडो अर्थात मृतक स्तंभ बनाने की परंपरा पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी सहरिया, या ऑप्शन डी कोरकू। तो इसका सही जवाब होगा कोरकू। अब ये प्रथा होती क्या है, मंडो कब लगाया जाता है? जब कोरकू व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के तीसरे दिन उनके समाधि स्थल पर लकड़ी के स्तंभ लगाए जाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? मंडो बोला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकुओं द्वारा चैत्र बैसाख में किया जाने वाला सर्वप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मांडलिया नृत्य, ऑप्शन बी धापरी नृत्य, ऑप्शन सी गरबा नृत्य, ऑप्शन डी ढांडल नृत्य। तो जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन बी धापरी नृत्य। धापरी नृत्य जब होता है तो इसमें एक वाद्य यंत्र बुलाया जाता है, वाद्य यंत्र जिसको बोलते हैं चिरकोरा। चिरकोरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, इसीलिए कभी कभी धापरी नृत्य को ही एक्चुअल में चटकोरा भी बोला जाता है, चटकोरा। तो आपने इसको तो सुना होगा कि चटकोरा नृत्य का संबंध कौन से जनजात से है, या धापरी नृत्य का संबंध कौन से जनजात से है, तो आपको सीधा उत्तर क्या लगा देना है? कोरकू जनजाति को लगा देना है। गरबा नृत्य के बारे में आपको पता है, ये मुख्य रूप से आपके नवरात्रि के अवसर पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, और गरबी नृत्य जो होता है गरबी, वो मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है। अगला प्रश्न है, आदिम जाति कोरकू मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए दक्षिण के जिलों में, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम के जिलों में, ऑप्शन सी पूर्वी जिलों में, या ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी जिलों में। दक्षिण के जिले मतलब वही बैतूल हरदा होशंगाबाद बुरहानपुर वाला क्षेत्र, तो हमको पता है कि मुख्य रूप से कोरकू वहीं पर पाई जाती है, तो ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिम की अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र की अगर बात करें तो मध्य भारत के क्षेत्र का क्षेत्र आ जाएगा, तो सहरिया यहाँ पर निवास करती है। पूर्वी जिलों की बात करें तो यहाँ पर बैगा पाई जाएगी, गोंड पाई जाएगी, और कोल पाई जाएगी। और उत्तर पूर्वी की अगर बात करें तो उत्तर पूर्व में बेड़नी, कोल, उराव इत्यादि जनजातियाँ पाई जाएंगी। तो ये सामान्य सी बात क्या हो गई कि मध्य प्रदेश के जब भौगोलिक विस्तार की हमने चर्चा की थी उसके संबंध में जब प्रश्न बनाए थे तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमने उसमें कवर करने का प्रयास भी किया था। अगला प्रश्न है, चटकोरा किस जनजाति का नृत्य है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी कोरकू, या ऑप्शन डी बजारा। तो इसका सही जवाब होगा क्या? कोरकू। तो चटकोरा जो नृत्य होता है वो मुख्य रूप से बैसाख माह में
किया जाता है और किस जनजाति से संबंधित है? कोरकू जनजाति से। अगला प्रश्न है, नहाला किस जनजाति की उपजनजाति है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी कमार, ऑप्शन सी कोरकू या ऑप्शन डी सहरिया। जिसका सही जवाब होगा क्या? कोरकू। देखिए कोरकू की दो वर्ग हैं, एक होता है राज कोरकू और एक होता है पोथरिया कोरकू। पोथरिया कोरकू जो राज कोरकू होता है वो मुख्य रूप से संपन्न वर्ग होता है, जो कृषि कार्य या भू स्वामी वर्ग होता है, और जो बचे हुए वर्ग होते हैं उसको पोथरिया कोरकू कहते हैं। अब कोरकू कई सारे उपजातियों में विभक्त है, जैसे नहाला, मवासी, बौबई, पोथरिया। तो कोरकुओं में विशेष उपजातियाँ पाई जाती हैं, जो इनके एक विशिष्ट नाम भी रहते हैं। इनके नाम भी इतने कठिन कठिन होते हैं कि हमको आंसर खुद ही लगाने में आ जाता है कि इनका आंसर यही होगा। एक और होती है रूमा। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति में पडियार और भूमिका को अति सम्मान दिया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी कोरकू, ऑप्शन सी बैगा, ऑप्शन डी गोंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी कोरकू। देखिए पडियार और भूमिका की अगर बात करें, जैसे भूमिका की अगर बात करें, ये पडियार तो एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, प्रतिष्ठित एवं सम्मान पात्र व्यक्ति होता है, अनुभवी व्यक्ति होता है। और भूमिका मुख्य रूप से जो कोरकुओं की धार्मिक क्रियाएं होती हैं, धार्मिक क्रियाकलाप, उनको संपन्न कराने वाला व्यक्ति होता है। ये विवाह भी करवा लेता है, जो कोरकुओं का विवाह होता है, जो चिथौड़ा विवाह होता है, लमसेना विवाह होता है, चढ़ विवाह होता है, ये सब विवाह करवा भी लेता है। कौन? भूमिका। अगला प्रश्न है, कोरको जनजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीडू महुआ की बनी शराब होती है, स्त्रियां सीडू का सेवन नहीं करती हैं, उपयुक्त में से कौन से कथन या कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात तो सही है कि सीडू महुआ से बनी हुई शराब होती है। देखिए महुआ के शराब की कई अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे मंड भी मिलता है, मेहुल भी मिलता है, तो इनके शराब के कई अन्य नाम भी मिलते हैं। तो सीडू महुआ से बनी हुई शराब होती है, ये बात सही है। स्त्रियां सीडू का सेवन नहीं करती हैं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि स्त्री या पुरुष दोनों, स्त्री व पुरुष दोनों इसका सेवन करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला कथन गलत हो जाएगा, तो केवल एक क्या है? सही है, केवल एक सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, सूची वन और सूची दो को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है कोरो, राक्षस, सराक, बाना। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं, ये है मुख्य रूप से कोरकुओं को जो खाना दिया जाता है, जो खाना खाते हैं वो, उन्हीं से संबंधित कथन है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से क्या सम्मिलित है। जैसे कोरो की बात करें तो ये किसका सेवन करते हैं, राक्षस किसका सेवन करते हैं, सराक किसका सेवन करते हैं, या फिर बाना किसका सेवन करते हैं, बाना क्या है, इन्हीं के संबंध में कथन दिया गया है। तो हमारे ऑप्शन है ताज़ा व शुद्ध मांस खाने वाले, बी के सामने है मरे पशुओं पक्षियों को खाने वाले, सी का सामने है मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने वाले, या फिर डी के सामने है भाजी खाने वाले। तो जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। तो आपको मैं बता दूं कि जो राक्षस होते हैं, देखो राक्षस सीधा सीधा नाम ही है, तो राक्षस ऐसे कोरकू व्यक्ति होते हैं जो मुख्य रूप से मरे पशु पक्षियों को खाना खाने वाले होते हैं, मरे पशु पक्षियों का खाना खाने वाले, या फिर सड़े गले पदार्थों से खाना प्राप्त करने वाले राक्षस कहलाते हैं। कोरो की अगर बात करें तो कोरो ताज़ा व शुद्ध मांस खाने वाले होते हैं। अब देखिए कोई भी जनजाति हो वो शाकाहारी भी होती है और मांसाहारी भी होती है, तो कोरो की अगर बात करें तो वो ताज़ा व शुद्ध मांस खाने वाले, मतलब ये रॉयल लोग होते हैं, ठीक। अगर सराक की बात करें तो सराक मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी, और ये भाजी खाने वाले लोग होते हैं।
और बाना की अगर बात करें तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने का काम करते हैं। तो अब इसको मिला लेते हैं, तो ए का एक हो जाएगा, सही, ए का एक, ठीक है। फिर राक्षस दो का दो हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। सराख सी का फोर होना चाहिए, तो फोर भी सही है, और डी का थ्री। तो हमारा अब ऑप्शन ए क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कोरको जनजाति की जनसंख्या कितनी है। हमारे ऑप्शन है 95,58,600, 7,30,847, या 6,62,230, या फिर 8,50,030। तो इसका सही जवाब होगा हमारा 7,30,847। लगभग 4.15% जनसंख्या क्या निवास करती है हमारे यहाँ, कोरकुओं की निवास करती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी 7,30,847। तो दोस्तों ये हमारी सामान्य सी चर्चा रही है किस पे, मध्य प्रदेश के जनजातियों की संस्कृति को लेके हमने 40 क्वेश्चन लगभग इस क्लास के अंतर्गत कवर किया है। फिर इसके आगे भी हम कुछ इसमें प्रश्न बन सकते हैं, उनको भी देखेंगे, और फिर अपनी चर्चा को हम कहाँ पर ले जाएंगे, मध्य प्रदेश के जनजातियों के संबंध में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा योजनाएँ चलाई गई हैं उन पे कौन कौन से प्रावधान हैं, उनके लिए कितना बजटीय आवंटन किया गया है, उन पे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उन समस्त बिंदुओं पर अपनी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं फिर आपसे हम अगली क्लास पे। तब तक के लिए नमस्कार।